सीएम शिवराज के इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली की घोषणा करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। वहीं 2 नवंबर को होने वाली भाजपा कार्यसमिति की बैठक को लेकर कहा कि कोरोना के चलते पहले बैठक वर्चुअल हुई थी, लेकिन अब एक्चुअल बैठक होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में कार्यसमिति के सदस्य, जिलाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिसमें ठाकरे जी के जन्म शताब्दी एवं संगठनात्मक चर्चा होगी। हमारी जो कानून व्यवस्था है और प्रशासन व्यवस्था में बहुत चाक चौबंद, और जिसको मैं कहूं कि एक बेहतर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू करने से जो बेहतर चल रही कानून व्यवस्था है उसको और ताकत देने के लिए और अच्छा बनाने के जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि इसके माध्यम से कमिश्नर प्रणाली जो लागू की है उसके माध्यम से अच्छी कानून व्यवस्था बनेगी जो पहले से बेहतर चल रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को और हमारी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं और जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं इंदौर और भोपाल की कि उनको एक नई कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से बेहतर प्रशासन में, कानून व्यवस्था में और हम सबको ताकत मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ें हैं जहां पर हमको लगता है कि विकास के लिए आवश्यक है हटाना या जोड़ना, तो विकास की प्रक्रिया में जो चीज़ें आवश्यक होंगी उन पर तो मुझे लगता है कि प्रशासन नज़र रखता ही है और माननीय सांसद जी ने क्या कहा है मुझे अभी जानकारी में नहीं है, मैं देखूंगा और कुछ कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा।